अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए, आज का ब्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं। और मेरे बेटे का बर्थडे था 15th of October, तो उसके लिए उसके पापा केक लेकर आए थे। ये देखें, और ये कुछ कैंडी भी थी जो उसने यहाँ पर लगा के रखी थी, और बहुत ही प्यारा केक लग रहा था ये, बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग। और केक तो वगैरह मैं कट नहीं करवाती हूँ, और ऐसे ही स्पून से इन्होंने खा लिया था, और ऐसे ही मैंने थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। बट मैं बच्चों को बुला के ऐसे कोई पार्टी वगैरह नहीं करती हूँ। ये देखें, और उससे ये है, बच्चों का भी मन होता है, वो एक दूसरे को देखकर वो कहते हैं कि मेरा भी बर्थडे होना चाहिए और मुझे भी केक कट करना है, तो इसलिए बस मंगवा दिया था उसके लिए। बट कट वगैरह नहीं कराया था हमने बच्चों को बुला के ऐसे कुछ, और उसकी पसंद की सारी चीज़ें बना दी थी मैंने जो उसको पसंद था। और वो बिरयानी उसको खाना था, तो मैंने बिरयानी भी बना दिया था, और केक उसको खाना था, और कैंडी वगैरह और कुछ चॉकलेट्स वगैरह मंगवाई थी उसके स्कूल में, उसको अपने फ्रेंड्स को डिस्ट्रीब्यूट करनी थी, टीचर्स को देना था उसको, तो उन सभी के लिए मंगवाई थी और भिजवा दिया था स्कूल में। मैंने मॉर्निंग के टाइम सबसे पहले यासीन शरीफ पढ़वा दी थी, और उसके बाद कुछ बच्चों को मैं छोटे छोटे बच्चों को बुलाकर उनको उनकी दावत कर देती हूँ हर बार। बट अभी मेरे हस्बैंड नहीं थे घर, लेट आ रहे थे, वो रात को 11 बजे आ रहे थे, तो काफ़ी सारी चीज़ें मंगानी होती हैं मार्केट से, और मुझे फिर बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, इसलिए अगली बार मैं नहीं कर पाई ये सब। और मैंने बनाई थी बिरयानी अपने बेटे की फेवरेट, और उसको भी मैं खिलाने लगी थी, और ये देखिए वो खेल रहा था चटनी के साथ। और इस बार मैं छोटे बच्चों की दावत नहीं कर पाई, और ये देखें खाना मैंने अपने बेटे को खिला दिया था, और मैं अपने हस्बैंड के साथ खाने वाली थी क्योंकि वो लेट आ रहे थे थोड़ा सा। और ये केक मैंने स्पून से इस तरह से कट करके दिया था अपने बेटे को, और मेरे हस्बैंड आ चुके थे रात में, तो उनके आने के बाद मैंने केक दिया था सभी को, और मॉर्निंग में फिर मैंने भिजवा दिया था जहाँ पर भी मुझे भिजवाना था। ये देखें, बहुत ही ज़्यादा वेट कर रहा था दिन में केक कट करने का, केक मुझे खाना है, बट मैंने नहीं दिया था उसको कि तुम्हारे जब पापा जाएंगे। और ये देखिए सारे 11 बज रहे हैं, 11:30 हो रहे हैं, और अभी थोड़ी देर पहले मेरे हस्बैंड आए थे और हमने खाना वगैरह खा लिया है, फारिग हो गए हैं। और ये देखें, ये मैं कुछ मक्स लेकर आई थी, और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे, और ये मैं 50 रुपीज़ के थ्री पीस लेकर आई थी ये, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। और एक ये मग था स्टील वाला जो कि मैंने लिया था, ये देखें मीडियम साइज है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, इजीली मॉर्निंग के टाइम में जैसे हम दूध वगैरह लेते हैं वो इसमें आसानी से ले सकते हैं, इतनी चाय तो हम बिल्कुल भी नहीं पीते हैं। ये देखें, एक ये लेकर आई थी मैं ऑयल रखने के लिए या घी वगैरह रखने के लिए, जो ताकि थोड़ा थोड़ा मुझे रोज़ निकालना होता है ऑमलेट वगैरह के लिए, किसी भी चीज़ को हल्का फुल्का जो हम फ्राई करते हैं उसके लिए, शैलो फ्राई करने के लिए भी हमें यूज़ में आता है, तो उसमें से बार बार निकालना पड़ता है डिस्पेंसर से, तो इसलिए मैंने ये लिया था। और ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट था, इसका डिज़ाइन बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था, तो इसमें मैंने रिफाइंड ऑयल करके रख दिया है, और घी भी रख सकती हूँ, बट अभी मुझे इसमें रिफाइंड ज़्यादा रखने की ज़्यादा नीड थी, क्योंकि मुझे रिफाइंड अंडे वगैरह ऑमलेट वगैरह बनाना होता है, मैगी वगैरह कुछ बनानी हो फटाफट से, तो मैं यहीं से इसमें से निकाल लेती हूँ बहुत ही ज़्यादा। और ये वाले जो मग थे, कप थे, जो भी आप कह लें, बहुत ये छोटा साइज़ था बट बहुत ज़्यादा क्यूट था ये, और ये बिल्कुल प्लेन था, और ये एक ही पीस मुझे मिला था, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये देखें,
ये बहुत ही ज़्यादा प्यारे मग थे जो मुझे मिले थे, और बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल प्राइस में। उसके बाद में नेक्स्ट डे हो गया था, मेरे हस्बैंड लेकर आए थे बाहर से सोया चाप एंड दाल मखनी, और बाहर से ही रोटियां मंगवाई थी, तो हमने डिनर एंजॉय किया था। ये भी बाहर की थी दाल मखनी, मुझे उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई, या तो वो ठंडी हो गई थी, बट मैंने गर्म भी किया था फिर भी उसमें टेस्ट नहीं कर रहा था। लेकिन सोया चाप बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, और ये हमने खाया था फिर एंजॉय किया था मेरे हस्बैंड के आने के बाद। और ये कुछ रोज़ की चीज़ें जो कि हमें लगती हैं डेली में, क्लीनिंग में, और टिश्यू पेपर, हैंड वॉश, सोप, और ये था जो कि मुझे रिफ़िल से सभी डब्बों में फिल करना था, और इसलिए मैंने उनको निकाल कर रखा था। और रात के टाइम हम खाने लगे थे अमरूद, जो कि मेरे फेवरेट हैं इस सीज़न में, जो कि मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं मौसम में, और इस मौसम में मुझे ये अमरूद बहुत ज़्यादा पसंद है। चलिए आज की मेरी इस छोटी सी वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।